नमस्कार, आपका स्वागत है जानो और मानो में। मैं अंजु व्याला, इंटरजाना वास्तुशास्त्री और न्यूम्रोलॉजिस्ट, आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे पर्सनैलिटी नंबर 7, 8 और 9 के लिए आने वाला नया साल 2022 कैसा रहेगा। तो आइए जानते हैं, तो आइए बात करते हैं पर्सनैलिटी नंबर 7 की। जिन भी व्यक्ति का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को किसी भी मंथ या किसी भी ईयर के होता है, उनका पर्सनैलिटी नंबर 7 होता है। और पर्सनैलिटी नंबर 7 को गवर्न करते हैं केतु। केतु ऐसे इफेक्ट करता है कि जो भी पर्सनैलिटी नंबर 7 वाले होते हैं, उनको एक्सप्लोर करना, एडवेंचर करना, नई नई चीज़ों की खोज करना, उनको ट्राई करना या डिफरेंट वर्क करना उन्हें बहुत पसंद आता है। और नया आने वाला साल जब हम टोटल करते हैं, 2 + 0 + 2 + 2 तो 6 होता है, और उसको रूल करता है वीनस या शुक्र प्लैनेट बोल सकते हैं। और शुक्र हमारी लाइफ में बहुत लग्जरी, सक्सेस, प्यार और बहुत प्रॉस्पेरिटी लाता है। तो जो 7 नंबर के हैं, तो आप तैयार हो जाइए, आपकी लाइफ में बहुत सारे नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। और जो आपको पसंद है नए नए चीज़ों को एक्सप्लोर करना, एडवेंचर करना, तो ये साल पूरा आपका एडवेंचर से भरा हुआ रहेगा। पर्सनैलिटी नंबर 7 की करियर की बात करें, तो आपको ये नया साल बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आने वाला है। जैसे मैंने आपको बोला, आप नए बिजनेस ट्राई कर सकते हैं। अगर आप नया जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको मनचाहा जॉब मिलेगा। अगर आप एग्जिस्टिंग जॉब या बिजनेस में हैं तो आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी, आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। मतलब ये बोलने का है कि आप जो चाहेंगे वो आप कर पाएंगे, बस आपको फोकस्ड रहना है। जुलाई के बाद आपको थोड़ा ध्यान रखना है, काफ़ी लोग आपका लेग पुल करने की कोशिश करेंगे, तो आप उनसे थोड़ा सावधानी बरतिए। एंड ऑफ द ईयर आपका बहुत आप एनर्जेटिक फील करेंगे और आपकी ग्रोथ भी ऊंचाइयां छुएगी। अब फाइनेंस की बात करें, तो पर्सनैलिटी नंबर 7 के लिए एक ये बेहतर ईयर है। मगर अगर आप हार्ड अर्न मनी या अपनी सेविंग्स का इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ टेक केयर, सोच समझ के, पूरी अच्छा होमवर्क करके कहीं पर इन्वेस्ट करिएगा। आने वाला साल आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है, तो साथ ही साथ थोड़ा एक्सपेंसिव भी होगा। बिकॉज आपको एक्सप्लोर करना, एडवेंचर करना पसंद है, तो आप ट्रैवल एंड टूरिज्म में भी काफ़ी अच्छा अमाउंट खर्च कर सकते हैं। बड़े वेकेशन प्लान कर सकते हैं, रेनोवेशन प्लान कर सकते हैं, अपनी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए, लाइफस्टाइल को अच्छा बेहतर बनाने के लिए आप काफ़ी खर्चा कर सकते हैं। मेरी यही एडवाइस रहेगी कि जो अनवांटेड एक्सपेंसेस हैं उस पे थोड़ा खर्च करने के लिए आप थोड़ा ध्यान रखिए, ध्यान से खर्च करिए, स्टार्टिंग से थोड़ा सेव करिए, ताकि एंड ऑफ द ईयर आपके पास अच्छा खासा अमाउंट हो जिससे आप अपना काम चला सकें। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो रिटर्न्स अच्छे होंगे, मगर फिर भी थोड़ा देखभाल के करिए। जितना आपसे हो सके उतना ही इन्वेस्ट करिए, किसी से लोन लेने से बचिए, और लोन देने में भी बहुत अच्छे से आप जांच पड़ताल कर लीजिएगा। अब रिलेशनशिप की बात करें, तो पर्सनैलिटी नंबर 7 के लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल रहने वाला है आने वाला साल। वो क्यों है स्ट्रेसफुल? बिकॉज आप अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे अपने काम को, इसलिए आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बैलेंस नहीं बना पाएंगे। तो मेरी ये एडवाइस है कि आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी क्वालिटी टाइम दीजिए, ताकि आप एक खुशहाल माहौल आपके आसपास हमेशा महसूस करें। और अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए या मैरिज प्लान्स कर रहा है, तो ये ईयर अच्छा है, आप कमिटमेंट में जा सकते हैं। शादीशुदा लोगों को मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी कि आर्ग्यूमेंट से बचें, एक दूसरे को समझें। अगर एक गुस्से में है तो एक को शांत रह के सोच समझ के बात करना चाहिए। एक लव एंड हार्मनी रिलेशन में मेंटेन करें और अपनी लाइफ को सुखद बनाएं। अब हेल्थ की बात करें, तो पर्सनैलिटी नंबर 7 के लिए थोड़ा सा वीक ईयर है। आपको अपना बहुत अच्छा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको स्ट्रेस फ्री रहना पड़ेगा, प्रॉपर डाइट और प्रॉपर एक्सरसाइज आपको रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। आपको अपना बहुत अच्छा ध्यान रखना है खाने पीने का। अगर आप बाहर जाते हैं तो स्पेशली आप उस पर ध्यान दीजिए, नहीं तो आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। लास्ट में आपको मैं एक हेल्थ से रिलेटेड यही एडवाइस देना चाहूँगी कि आप बहुत अच्छे से अपनी स्लीप लीजिए। यू नीड अ साउंड स्लीप टू स्टे स्ट्रेस फ्री और टेंशन फ्री रहो। आप हमेशा एनर्जेटिक रहोगे अगर आपको एक साउंड स्लीप मिलेगी। तो एक आप समय बनाइए, अपना टाइम टेबल सेट करिए कि आप एक प्रॉपर टाइम पे अपना नींद लेंगे। आइए अब हम बात करते हैं पर्सनैलिटी नंबर 8 के बारे में। जिन भी व्यक्ति का जन्म 8, 17 या 26 तारीख को किसी भी मंथ या किसी भी ईयर के होता है, उनका पर्सनैलिटी नंबर 8 होता है।
और पोसाइट नंबर 8 को रूल करते हैं शनि। शनि जो आपको पता है वो न्याय करता है और बहुत स्ट्रगल को भी हमें उनके कारण फेस करना पड़ता है, मगर 8 नंबर वाले बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। लाइफ में स्ट्रगल के बावजूद भी वो बहुत अच्छा लाइफ में ऊंचाइयां छूते हैं और अच्छा मुकाम हासिल करते हैं। तो आने वाला जो ईयर हम देखते हैं 2022, जब उनको हम ऐड करते हैं 2 + 0 + 2 + 2 तो वो 6 देता है और वो शुक्र का कारक होता है या वीनस का प्लैनेट बोल सकते हैं, और वो हमें बहुत लव, लग्जरी और प्रॉस्पेरिटी देता है लाइफ में। जब शुक्र और शनि मिलते हैं तो एक संघर्ष वाला समय स्टार्ट होता है, ऐसा माना जाता है। ये ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि शुक्र होता है वो भौतिक सुख हमें देता है, सुख सुविधा हमें दिलाता है, वहीं शनि होता है वो हमें वैराग्य का सूचक देता है। वो हमें बोलता है कि हमें ये सब मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए, हमें रियलिस्टिक रहना चाहिए। इसलिए मेरा यही कहना है कि शनि के जो भी प्लैनेट से रिलेटेड है पर्सनैलिटी नंबर 8 वाले, उनके लिए आने वाला साल वो खुद बनाएंगे, खुद की मेहनत से बनाएंगे। उनके लिए थोड़ा स्ट्रगल है मगर वो ऊंचाइयां तक छू सकते हैं इस साल। तो ये साल थोड़ा मिला जुला रहेगा, अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, फोकस रहेंगे तो आपके लिए ये बहुत अच्छा साल है। अब करियर की बात करें तो पर्सनैलिटी नंबर 8 के लिए आने वाला साल थोड़ा हार्ड होने वाला है, हार्डशिप से भरा होने वाला है और आपको काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मगर साथ ही साथ आने वाला साल आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आने वाला है, आपको करियर में ग्रोथ लेके आने वाला है। आपको नया जॉब मिल सकता है, नया प्रमोशन मिल सकता है, आपके बिजनेस में ग्रोथ होगी, मगर उसके लिए आपको बहुत फोकस्ड रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, काम रहना पड़ेगा और सबसे ज़्यादा आपको ऑर्गेनाइज रहना पड़ेगा। अब फाइनेंस की बात करें तो पर्सनैलिटी नंबर 8 के लिए नया साल थोड़ा एक्सपेंसिव होने वाला है, इन द सेंस आप एक्सपेंस करेंगे अपने कम्फर्ट और अपने लाइफ में लग्जरी एड ऑन करने के लिए। अगर आपके पास सरप्लस मनी है तो ये आपके लिए साल अच्छा है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लग्जरी आइटम्स में अपनी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए। अगर थोड़ी तंगी है तो मैं चाहूँगी कि आप अनवांटेड एक्सपेंसेस को थोड़ा सा लेट गो करें और अपने साल को पहले से ही प्लान करें, सेविंग करें, ताकि आपका पूरा साल एकदम मधुरता से निकल जाए। अब रिलेशनशिप की बात करें तो पर्सनैलिटी नंबर 8 को हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, एक बैलेंस बनाना पड़ता है अपनी वर्क लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ में। तो ये साल भी आपको वही करना है, आपको एक बैलेंस बना के रखना है अपने वर्क टाइमिंग में और फैमिली टाइमिंग में और फ्रेंड्स टाइमिंग में। आपको दोनों को एक क्वालिटी टाइम देना ज़रूरी है, वो आपको स्ट्रेस फ्री भी रखेगा और आप अपने काम पे अच्छे से फोकस भी कर पाएंगे। अगर आप लॉन्ग रिलेशंस में जाना चाहते हैं या कमिटमेंट करना चाहते हैं तो ये साल अच्छा है, मगर मेरी यही एडवाइस रहेगी कि आप अपने पार्टनर को या जिसे आप पार्टनर बना रहे हैं उसके बारे में पूरी अच्छे से जानकारी लीजिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, आप दोनों के बीच में एक अच्छा सा बॉन्ड होना चाहिए, तभी आगे आप कमिटमेंट कीजिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको छोटी मोटी लड़ाइयों से बचना चाहिए, अगर आर्ग्यूमेंट हो भी जाता है तो एक दूसरे को समझिए और उस चीज़ को स्ट्रेच ना करिए। अब हेल्थ की बात करें तो पर्सनैलिटी नंबर 8 को हमेशा ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का, आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, आपको एक हेल्दी डाइट खानी है ताकि आप इंडाइजेशन से बचें और स्ट्रेस फ्री रहें, ताकि आप हमेशा हार्डवर्क के साथ फोकस कर सकें। आप एक बैलेंस बनाइए, एक रूटीन बनाइए कि आपको काम के साथ साथ एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू डू इट टू स्टे हेल्दी। ये साल आपका काफ़ी ट्रैवल भी दिख रहा है, आप काम के सिलसिले में या आप वेकेशन पे घूमने जा सकते हैं। तो जब भी आप घूमने जाएं तो अपने खान पान पर ध्यान रखें, हेल्दी फूड खाएं, और अगर आप ड्राइव करके जा रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन और एक सेफ ड्राइव करें। आइए अब हम बात करते हैं पर्सनैलिटी नंबर 9 के बारे में। जिन भी व्यक्ति का जन्म 9, 18, 27 किसी भी महीने या किसी भी ईयर के होता है उनका पर्सनैलिटी नंबर 9 होता है, और पर्सनैलिटी नंबर 9 को रूल करता है प्लैनेट मार्स या मंगल बोल सकते हैं, और मंगल इंसान को बहुत एनर्जेटिक बनाता है, बहुत उत्साह रहता है उसका लाइफ में,
कुछ करने के लिए, और जो भी काम को वो करता है वो बहुत जोश के साथ करता है। और पर्सनैलिटी नंबर 9 वाले जोश के साथ होश भी रखते हैं और सब स्ट्रगल्स के साथ अपनी लाइफ में एक ऊंचाई तक पहुंच पाते हैं। तो आने वाला साल आपके लिए बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, बहुत हार्डशिप भी लेके आ सकता है, मगर अगर आप फोकस्ड रहेंगे और अपनी एक लगन के साथ काम करेंगे तो आपको ऊंचाइयाँ ज़रूर मिलेगी, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। करियर की बात करें तो पर्सनैलिटी नंबर 9 के लिए ये ईयर बहुत उत्साह से भरा हुआ है और बहुत एक्साइटिंग ईयर होने वाला है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकता है, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको नया जॉब मिल सकता है मनचाह, अगर आप जॉब में ट्रांसफ़र चाहते हैं तो मनचाही जगह आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, और आपको बिजनेस में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिलेगा अगर आप मन लगा के और सब प्रोज एंड कॉन्स देख के कोई अच्छा डिसीजन लेते हैं, अपने ग्रोथ के लिए डिसीजन लेते हैं तो वो अच्छा होगा आपके लिए। आपको नए नए ऑफर्स आएंगे बिजनेस में, अच्छे आपको ऑफर्स आ सकते हैं। आपको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में है तो आप अच्छा कर सकते हैं। आपको नए नए फॉरेन प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं जिसको आप फ्लरिश कर सकते हैं। और आपको अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो एक आपको ध्यान रखना है कि आप ऑफिस की पॉलिटिक्स से बचिए, अपने आप को उससे दूर रखिए और अपने काम पे फोकस रखिए। अब फाइनेंस की बात करें तो पर्सनैलिटी नंबर 9 के लिए एक अच्छा साल है, मगर यू हैव टू सेव फॉर योर बेटर फ्यूचर। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं शेयर मार्केट में तो मैं देख रही हूँ अच्छा आपको रिटर्न्स हैं। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप उसका डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से करिए, पहले से आप अपना होमवर्क करिए, वो प्रॉपर्टी कहीं लिटिगेशन में तो नहीं है, कहीं पे कोई आपको धोखा तो नहीं दे रहा है। यू हैव टू टेक इट वेरी सेफली एंड डू इट वेरी नाइसली। रीसेल ऑफ प्रॉपर्टी में भी आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, आप उसका जो भी पैसा आता है उसको नए प्रॉपर्टी लेने में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी प्रॉफिटेबल रहेगा। और अगर आपका बिजनेस जॉब मीडिया ब्यूटी या ट्रैवलिज्म से रिलेटेड है तो आपके लिए ये ईयर एक बूम लेके आने वाला है, आप बहुत सफल होंगे इस साल और काफ़ी हाइट पे अच्छे से पहुंच सकते हैं। अब रिलेशनशिप की बात करें तो 9 नंबर होते ही फैमिली पर्सन है और एक सोसाइटी के लिए जीने वाला पर्सन होता है, तो आप वैसे ही अपने रिश्ते बनाए रखेंगे, आप हमेशा अपने लोगों के लिए हेल्प करने के लिए तत्पर रहेंगे और एक अच्छा बॉन्ड अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ बनाए रखेंगे। अगर आप लॉन्ग रिलेशन में जाना चाहते हैं या कुछ कमिटमेंट करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं तो ये साल ही प्यार का है, तो ये आपके लिए रियली बहुत अच्छा साल रहेगा। और जो मैरिड कपल्स हैं छोटी मोटी लड़ाई को दूर रख के ये आपके लिए काफ़ी अच्छा साल है, आप आउटिंग पे जा सकते हैं, आप ट्रैवल्स पे जा सकते हैं, आप एक छोटे मोटे लंच या डिनर पे ही एक अच्छा प्यार भरा समय व्यतीत कर सकते हैं। अब हेल्थ की बात करें तो पर्सनैलिटी नंबर 9 के लिए ये एक अच्छा साल है, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और आप अपनी हेल्थ का ध्यान भी रखेंगे। अगर आपकी कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है तो उसको नज़रअंदाज ना करिए, टाइम टू टाइम चेकअप कराइए, अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करिए ताकि आप पूरे साल स्वस्थ रहें। सीजनल चेंजेस के कारण छोटी मोटी आपको सर्दी जुकाम हो सकता है, थोड़ा सा वायरल फीवर भी हो सकता है, मगर आप अगर उसकी टाइमली दवाई लेते हैं तो आप उसको काफ़ी जल्दी ओवरकम करके हेल्दी लाइफस्टाइल से आप स्वस्थ रह पाएंगे पूरे साल। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो भी मैंने जानकारी दी है 2022 की पर्सनैलिटी नंबर 7, 8 और 9 के लिए वो लाभदायक होगी और उनका जीवन और हम सबका जीवन नए साल में और निखर के आए, बहुत सारी खुशियाँ लेके आए और हम स्वस्थ रहें और मस्त रहें। हैप्पी न्यू ईयर एंड अ वेरी प्रॉस्परस न्यू ईयर।